हेलो एवरीवन चैप्टर टेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक और वीडियो लेके आ गए हैं इससे पहले हमने क्या क्या किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है टर्मिनलॉजी ऑफ मिरर्स इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड द मिरर फार्मूला और इस वीडियो में क्या करने वाले हैं इसमें हम मिरर फार्मूला का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे चलिए आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहली बात मिरर फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ़ ये कहाँ से आया अगर इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो हॉट क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो चेक कर लेना यहाँ पे यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी होता है इमेज डिस्टेंस एफ होता है फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन एम इज इक्ल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या आप कह सकते हैं एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू कुछ कंक्लूजन्स या साइन कन्वेंशंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्चुअल इमेज नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब रियल इमेज फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है कॉनकेव की नेगेटिव होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज नेगेटिव है तो इन्वर्टेड इमेज और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है यह है आपका असाइनमेंट इसमें ये पहले आठ क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पहले इनको ट्राई करो जब ये हो जाए तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करो ये हैं आपके नाइन टू फिफ्टीन के क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करो उसके बाद वीडियो को फिर प्ले करके देखो तुम्हारे और मेरे आंसर्स मैच करते हैं या नहीं चलिए नाउ इज द टाइम टू सॉल्व द असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर वन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ एसफेरिकल मिरर इज नेगेटिव व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन विद एम सो नेगेटिव साइंस सिग्निफाइज इज रियल एंड इनवर्टेड क्वेश्चन टू अव मिर प्रोड्यूसर टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज अब देखो फोर टाइम्स मैग्नीफाइड है ये नहीं बताया कि रियल है या वर्चुअल है तो एम प्लस फोर भी हो सकता है माइनस फोर भी हो सकता है ठीक है और यू माइनस टेन है तो पहला केस जिसमें हमने यू माइनस टेन और एम को प्लस फोर लिया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू लगाया तो हमारे पास वी निकला फोर्टी सेंटीमीटर दूसरा केस जिसमें यू इज माइनस टेन एम इज माइनस फोर फिर फॉर्मूला एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू लगाया वैल्यूज रखी तो यहाँ निकला वी इज इक्वल्स टू माइनस फोर्टी सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर थ्री एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज तो क्या क्या गिवन है यू इज़ माइनस टेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ इज प्लस फिफ्टीन क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमें निकालना है वी और एम हमने यूज़ किया मिरर फॉर्मूला वन बाय वी प्लस वन बाई इक्वल टू वन बाय एफ इसमें हमने वैल्यू रखी यू और एफ की फिर हमने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे हमें वी निकलता है सिक्स सेंटीमीटर फिर हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन विच इज एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू इसमें हमने वैल्यूज रखी तो ये मेरे पास निकला पॉइंट टू फोर तो पोजिशन निकल गई सिक्स सेंटीमीटर और नेचर निकला वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट ए डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर तो हमें गिवन है यू माइनस थर्टी एफ इज प्लस फिफ्टीन निकालना है हमें फोर कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले वी निकाल लेते हैं मिरर फॉर्मूला लगाया है वन बाई वी प्लस वन बाई इक्वल टू वन बाय एफ इसमें हमने वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो हमारे पास वी निकलता है टेन सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं एम इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इसमें वैल्यूज़ रखी तो ये निकला पॉइंट थ्री थ्री तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गए सबसे पहला इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल क्योंकि वी पॉजिटिव आ रहा है ठीक है दूसरा इरेक्ट बनेगी क्योंकि वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही पॉसिबल है तीसरा डिमिनिश्ड क्योंकि मैग्निफिकेशन बहुत कम आ रहा है वन से कम है तो डिमिनिश्ड और चौथा लेटरली इन्वर्टेड बनेगी वो हम जानते ही हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसड एट ए डिस्टेंस ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ फोर्टी सेंटीमीटर राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर तो हमें गिवन है यू माइनस फोर्टी एफ इज अगेन माइनस फोर्टी गिवन इन द क्वेश्चन क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है पहले वी निकालेंगे मिरर फॉर्मूला यूज़ किया उसमें हमने वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया तो हमारे पास वी निकलता है इंफिनिटी मैग्निफिकेशन निकालते हैं एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू ये भी निकलता है इन्फिनी मुझे क्या चाहिए कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म तो इमेज बनेगी रियल क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा हुआ है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो रियल इमेज बनती है रियल के साथ इन्वर्टेड होगी हाईली इनलार्ज होगी क्योंकि मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट आ रहा है और चौथा कैरेक्टरिस्टिक हो गया लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्वेश्चन नंबर सिक्स एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ थर्टी सेंटीमीटर राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर तो क्या क्या गिवन है यू इज़ माइनस ट्वेल्व एफ इज माइनस थर्टी हम पहले वी निकाल लेते हैं मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं वन बाय वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ इसमें हमने क्या किया यू और एफ की वैल्यू रखी इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के ऊपर हमें वी निकला ट्वेंटी सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं एम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इसमें वैल्यू रखी तो मैग्निफिकेशन निकलता है वन पॉइंट सिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गए वी आपका पॉजिटिव है यानी कि इमेज हो गई वर्चुअल वर्चुअल के साथ होगी इरेक्ट तीसरा एन लार्ज है क्योंकि एम की वैल्यू वन से ज़्यादा आ रही है और चौथा इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होगी क्वेश्चन नंबर सेवन अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट फोर सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट वन सेंटीमीटर प्लेस ट्वेंटी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस वॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो क्या क्या गिवन है एच टू इज़ माइनस फोर माइनस क्यों क्योंकि रियल है तो एच टू रियल एंड इनवर्टेड का माइनस फोर आएगा एच वन इज़ वन यू इज माइनस ट्वेंटी निकालना क्या क्या है हमें निकालना है वी और एफ तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू होता है एच टू बाय एच वन उससे हमें मैग्नीफिकेशन निकलता है माइनस फोर मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है एम इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इसमें हमने एम की वैल्यू रखी और यू की वैल्यू रखी तो वी हमारे पास निकला माइनस ऑफ एटी सेंटीमीटर तो पहली चीज़ निकल गई अब हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला जो कि है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ इसमें हमने वी की और U की वैल्यूज रखी फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास एफ की वैल्यू निकलती है माइनस सिक्सटीन सेंटीमीटर तो पोजीशन हमारे पास आ गई 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर माइनस है इसीलिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर और फोकल लेंथ निकल गई 16 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर एट फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट

इसमें हमने वैल्यूज़ रखी किस चीज़ की सिर्फ़ एम की वैल्यू पता है तो वही वैल्यू रखी यहाँ मेरे पास आया था वी इक्वल टू माइनस ऑफ टू यू फिर हम यूज़ करते हैं मिरर फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ़ इसमें हम वी की जगह लिखेंगे माइनस टू यू की वैल्यू एफ़ की जगह पे हम लिखेंगे माइनस ट्वेंटी फिर हम इसे सॉल्व करते हैं सिंपलीफाई करके तो हमारे पास यू निकलता है माइनस टेन सेंटीमीटर question number 9 the image of an object formed by a mirror is real inverted and of magnification minus 1 if the image is at a distance of 40 centimeter from the mirror where is the object placed? where would the image be if the object is moved 20 centimeter towards the mirror state reason and also draw diagram for the new position of object to justify your answer पहले गिवन क्या है एम इज़ माइनस वन एंड वी इज माइनस फोर्टी माइनस क्यों क्योंकि रियल इमेज है हमें निकालना है यू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम इक्वल टू माइनस और वी बाई यू लगाया इसमें हमने एम की और वी की वैल्यू रखी तो हमारे पास यू निकलता है माइनस फोर्टी सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकालते हैं एफ इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी ये कहाँ से आया मिरर फॉमूला क्या कहता है वन बाय वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ इसमें हमने एल्सियम लिया लेफ्ट हैंड साइड का वो आ यू वी न्यूमरेटर में आ गया यू प्लस वी इज इक्वल टू वन बाई एफ आ गया आपका राइट हैंड साइड में तो इसको अगर रेसिप्रोकेट किया तो एफ इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी निकलता है इसमें हमने यू और वी की वैल्यू रखी तो ये हमारे पास आया माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर अच्छा अब न्यू ऑब्जेक्ट पोजीशन कितनी निकलेगी यू डैश इज इक्वल टू माइनस फोर्टी विच वॉज द ओरिजिनल पोजीशन प्लस ट्वेंटी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूव ट्वेंटी सेंटीमीटर टूवर्स द मिरर तो यू डैश आ गया माइनस ट्वेंटी मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं वन बाई वी डैश प्लस टू वन बाई एफ क्योंकि फोकल है थोड़ी चेंज हुई है मिरर की इसमें हमने क्या किया यू डैश की और एफ की वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो ये हमारे पास वी डैश निकलता है इन्फिनी तो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ द मिरर और ये हो गया उसका

मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू इसमें एम की जगह हमने वन बाय फोर वी और यू हमें पता ही नहीं है तो यहाँ से वी निकला माइनस ऑफ यू बाय फोर फिर मिरर फॉर्मूला वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ इसमें हमने क्या किया वी की और एफ की वैल्यू पुट की फिर हमने इसे सॉल्व किया तो यू निकलता है माइनस नाइन्टी सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर इलेवन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेस मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फोर्टी सेंटीमीटर हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर तो यहाँ पे u हो गया माइनस इन्फिनिटी भाई इन्फिनिटी क्यों क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर लार्ज डिस्टेंस यानी कि इन्फिनिटी और u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोर्टी हमें निकालना है v फोकल लेंथ कितनी होगी एफ इक्वल टू आर बाई टू यानी कि ट्वेंटी सेंटीमीटर निकल गई फिर हमने लिया मिरर फॉमु इसमें हमने वैल्यूज रखी तो हमारा वी कितना निकला ट्वेंटी सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज टेन एम एम टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू पॉइंट फाइव एम एम टॉल प्लेस एट फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज तो हमें क्या क्या गिवन है एच टू इज माइनस टेन माइनस क्यों क्योंकि रियल है तो उसके साथ इन्वर्टेड होती है इसलिए एच टू इज माइनस टेन एच वन इज टू पॉइंट फाइव एंड यू इज़ माइनस फाइव सेंटीमीटर हमें निकालना है वी और एफ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एच टू बाय एच वन इसमें वैल्यूज पुट की तो एम निकला माइनस फोर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इसमें हमने क्या किया एम और यू की वैल्यू रखी तो वी हमारा निकला माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर फिर हमने यूज़ किया मिरर फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ इसमें हमने क्या किया v और u की वैल्यू पुट की फिर हमने इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो हमारी फोकल लेंथ निकलती है माइनस फोर सेंटीमीटर तो पोजीशन हो गई ट्वेंटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड फोकल लेंथ इज फोर सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर थर्टीन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एटीन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोर सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ इज द मिरर कॉन्केव और कॉन्वेक्स व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज व्हाट इज द रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ द मिरर कई चीजें पूछी हुई हैं देखते हैं गिवन क्या क्या है तो हमें गिवन है यू इज माइनस एटीन और वी इज प्लस फोर प्लस फोर क्यों क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोर सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर राइट ऑफ द मिरर यानी कि वी पॉजिटिव हमें क्या निकालना है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ करवेचर हमने यूज़ किया मिरर फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ इसमें हमने यू और वी की वैल्यूज पुट की उसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के ऊपर हमें एफ निकलता है थर्टी सिक्स बाय सेवन या फाइव पॉइंट वन फोर सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है मिरर कैसा हो गया कॉन्वेक्स क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में होती है नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट ये कैसे पता चला भाई वी पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल ही होगी और वर्चुअल के साथ सिर्फ इरेक्ट ही हो सकती है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल्स टू होता है टू एफ जो कि हमें आंसर देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एज टेन पॉइंट टू एट सेंटीमीटर

एम इज प्लस माइनस फोर क्यों क्योंकि मैग्निफाइड है ये नहीं बताया रियल या वर्चुअल इसीलिए हम दोनों केस देखेंगे हमें निकालना है एफ पहला मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू इसमें वैल्यू रखी तो वी निकला सिक्सटीन सेंटीमीटर मिरर फॉमुला यूज किया एफ इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी इसमें वैल्यूज रखी तो एफ निकला माइनस ऑफ फाइव पॉइंट थ्री सेंटीमीटर नेचर ऑफ मिरर हो गया कॉनकेव क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है और नेचर ऑफ इमेज आपका हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्योंकि वी पॉजिटिव है अब आते हैं दूसरा केस जिसमें हमारा यू होगा माइनस फोर और एम होगा माइनस फोर मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू इसमें वैल्यू रखी एम और यू की तो हमारा वी निकलता माइनस सेंटीमीटर मिरर फॉर्मूला को यूज़ करते हैं एफ़ इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो एफ़ निकलता है माइनस ऑफ थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर नेचर ऑफ मिरर होगा कॉनकेव क्योंकि एफ़ आपका नेगेटिव है और नेचर ऑफ इमेज आपका होगा रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि वी जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल एंड 20 सेंटीमीटर फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्मड क्या क्या गिवन है एच वन इज़ टू पॉइंट फाइव यू इज़ माइनस ट्वेंटी फाइव एंड एफ इज़ प्लस ट्वेंटी क्योंकि डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर होता है ठीक है हमें निकालना है वी और एच टू मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ़ इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं यू और एफ़ की और जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वी निकलता है हंड्रेड बाई नाइन यानी कि इलेवन पॉइंट वन सेंटीमीटर मैग्नीफिकेशन एम इज़ इक्ल्स टू होता है माइनस वी बाई यू इसमें हमने वी और यू की वैल्यू रखी तो ये हमारा निकला पॉइंट फोर फोर एक और चीज़ है एम इक्वल टू एच टू बाई एच वन इससे हमारा एच टू निकलता है वन पॉइंट वन वन सेंटीमीटर तो पोजीशन निकली 11.1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर नेचर निकला वर्चुअल सबका धन्यवाद अगर कहीं से कुछ डेटा लिया गया है तो ये आपने चार वीडियोस देखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ग्रेड टेन के लिए अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर क्वेश्चंस यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो देखिए और अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करना चाहते हैं हाई ऑर्डर क्वेश्चन से सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वीडियो देखिए थैंक यू सो मच